नमस्कार दोस्तों, आज मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मिस्टर दमदार का, जो कि फोरम चला के औरंगाबाद में काफ़ी नाम है। मुझे यहाँ पर उन्होंने आमंत्रित किया है कि वाज इनवाइटेड मी टू डू सम गाइडलाइंस ऑन मेंटेनेंस। नाउ टुडे हम इतना ही कवर करेंगे कि व्हाट इज मेंटेनेंस, व्हाट इज रोल ऑफ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ टू इम्प्रूव मेंटेनेंस। सबसे पहले हम मेंटेनेंस बोलते हैं, मेंटेनेंस क्या होता है, व्हाट इज द मेंटेनेंस। मेंटेनेंस इज टू मेंटेन समथिंग एंड रिस्टोर समथिंग वर्क और टू गेट द वर्क डन एज डिजाइन और एज एक्सपेक्टेड यू। सिमिलरली द मशीन मेंटेनेंस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन योर ऑर्गेनाइजेशन to maintain the machine, to restore its basic conditions and to get the performance of machine, that is the requirement of maintenance. So हम ये कह रहे थे कि अगर आपका maintenance सही है तो आपका equipment सही चलेगा, आपका equipment सही चलेगा तो आपका production अच्छा आएगा, और production अगर अपना ओके है तो देन आपका sales बढ़ेगा, sales बढ़ने के बाद आपका कंपनी का ग्रोथ हो जाएगा, कंपनी के ग्रोथ के साथ अपना ही ग्रोथ हो जाएगा। तो मशीन मेंटेनेंस में हम इतना देखेंगे कि मशीन का जो मेंटेनेंस होता है वो किस तरह से होना चाहिए। एक तो मशीन का बेसिक कंडीशन आपको को ओके करना चाहिए। दूसरा, मशीन जब चलती है उसके कुछ अबनॉर्मल साउंड्स आते हैं तो आपको नोटिफाई करना है और उसके ऊपर एक्शन लेना है। Then secondly, what is the role of maintenance organization? What is the organization? Organization is a group of people who organize 4M conditions, that is man, machine, materials. These things are organized by the organization, so it is called organization. Every organization, there are different departments: production, purchase, maintenance, HR, quality and so on. इन सब डिपार्टमेंट में मेंटेनेंस एक डिपार्टमेंट होता है। वो मेंटेनेंस का रोल होता है कि मशीन को अपकीप रखना, मशीन को सही ढंग से रखना, मशीन को ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। इसीलिए मेंटेनेंस का रोल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब मेंटेनेंस वीक होगा तो वो वहाँ के प्लांट की मशीनरी सही ढंग से नहीं चलेगी, वहाँ बार बार ब्रेकडाउन आएगा, ब्रेकडाउन आता है तो प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा और आपका अल्टीमेट प्रोडक्टिविटी है वो डाउन हो जाएगा। इसलिए मेंटेनेंस का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। और आजकल टीपीएम में भी ये कहा जाता है कि अगर आपका मेंटेनेंस डिपार्टमेंट स्ट्रांग है, मेंटेनेंस लोग स्ट्रांग है, तो आपका मशीन भी स्ट्रांग रहेगा। सो ये हर ऑर्गेनाइजेशन में इसका इम्पोर्टेंस है, इसीलिए मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। मेंटेनेंस का स्ट्रांग होना किस पे डिपेंड रहता है कि मेंटेनेंस की जो लोग हैं वो कितना कॉम्पिटेंस है। जितना उनकी कॉम्पिटेंस अच्छी रहेगी, जिनका उनको प्रैक्टिकल टेक्निकल नॉलेज अच्छा रहेगा, उतना ही वो मेंटेनेंस स्ट्रांग रहता है। सिमिलरली थर्ड, हाउ टू इम्प्रूव मेंटेनेंस। तो ये मेंटेनेंस जो है अपना कैसा इम्प्रूव कर सकते हैं, इसको काफ़ी डिफरेंट मेथड्स है, यू कैन अप्लाई दैट मेथड। बट इन जनरल अगर आपका मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जो लोग हैं उनको इनपुट्स अच्छे हैं, उनको नॉलेज है, तो वो अप्लाई कर सकेंगे अपने मशीन के ऊपर। सबसे अच्छा ये कि उनको ये समझना चाहिए कि नॉर्मल कंडीशन क्या होती है। जब तक उनको नॉर्मल कंडीशन नहीं समझता है तब तक उनको अबनॉर्मल भी नहीं समझेगा। अबनॉर्मल के समझने के लिए नॉर्मल होना जरूरी है। जैसे कि हम लोग मशीन पे जाते हैं, देयर आर सम मशीन के मोमेंट्स होते हैं, सपोज स्पिंडल रनिंग होता है या फ्लाईव्हील रनिंग होता है, तो इफ द बेयरिंग इज वर्न आउट, देयर इज सम अबनॉर्मल साउंड। तो अबनॉर्मल के बिफोर हम लोग को ये पता चाहिए कि नॉर्मल क्या होता है। अगर हमने नॉर्मल साउंड सुना है तो हम अबनॉर्मल साउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसीलिए जो मेंटेनेंस का स्टाफ होता है, जो टीम होती है, उनको मेंटेनेंस के बेसिक कंडीशन इक्विपमेंट के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हम लोग बहुत बार ये देखते हैं कि जो मेंटेनेंस का आदमी होता है उसके पास मैनुअल नहीं होता है। जो भी मशीन आप परचेस करते हैं उसके साथ अगर उसका मैनुअल नहीं है तो वो
ये नहीं कर सकता है कि ये इम्प्रूवमेंट के लिए हम लोग अगर देखें तो नंबर नंबर वन आता है हमारा मेंटेनेंस स्टाफ। मेंटेनेंस स्टाफ ये जो है ये टेक्निकल होना चाहिए, ये टेक्निकल होना चाहिए, इनको ट्रेनिंग होना चाहिए और इनका स्किल होना चाहिए। जब इनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, इनका टेक्निकल अपग्रेडेशन हो जाएगा, तो अल्टीमेट इनका स्किल डेवलप हो जाएगा। जब तक इनका स्किल डेवलप नहीं होगा, दे कांट परफॉर्म ऑन मशीन्स। मशीन के ऊपर जाने के बाद इनको अगर स्किल है तो वो सही ढंग से उसका मेंटेनेंस कर पाएगा। प्रॉपर मेंटेनेंस अगर करते हैं तो आपका मशीन मेंटेनेंस इम्प्रूव हो सकता है।